You are my Valentine. You are my Valentine. हाँ शर्मा जी, कहाँ पे हो? अच्छा शर्मा जी, एक बार आज जो ये प्रोग्राम किया भगत सिंह युवा मंच के द्वारा, मुझे बहुत खुशी हुई। आज पता लग रहा है देश में कि आज भी देश में संस्कारवान युवा है और समाज में ऐसे बुजुर्ग हैं, भाई बहन हैं, जो समय समय पर अपनी संस्कृति से आपको रूबरू करवाते रहते हैं। क्योंकि देखिए, आज के दिन लोग न जाने क्या क्या काम करते हैं। आपको पता है कि 14 फरवरी को पश्चिमी संस्कृति के कद्दावर लोगों ने हमारे देश का जो एक इतिहास था 14 फरवरी का, उसको हमें भुलाने की कोशिश की। क्योंकि पश्चिमी सभ्यता के लोगों की हमेशा मनसा रही है कि वो देश से अपनी संस्कृति को हम भूल जाएं, कुछ ऐसा करें। आज लोग वैलेंटाइंस डे मनाते हैं। वैलेंटाइंस डे का मतलब क्या बना के रख दिया समाज के लोगों ने, कि वैलेंटाइंस डे का मतलब एक लड़का एक लड़की से प्यार का इजहार करे, एक लड़की एक लड़के से प्यार का इजहार करे। सिर्फ नंगनता परोसी है उन्होंने। आज हमारी संस्कृति को हम गलत में जाता देख रहे हैं, पर मुझे गर्व हो रहा है आज यहाँ के कि भगत सिंह युवा मंच के सदस्यों ने जो प्रोग्राम किया है, क्योंकि आज ही के दिन शहीद, महाशहीद कहूँगा मैं उन्हें, कि देश के वो महाशहीद हैं, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह, और भी न जाने कितने योद्धा ऐसे हुए हैं जो इस धरती के ऊपर वीर सपूत माने पैदा किए हैं, पर इन तीनों को आज के दिन फांसी की सजा सुनाई गई। लोग नहीं चाहते कि हम उन तीनों को याद रखें, लोग नहीं चाहते कि हम अपनी संस्कृति को याद रखें। अरे, एक प्यार का नाम देकर, वैलेंटाइंस डे प्यार का इजहार करने का दिन, क्या प्यार करने के लिए एक लड़का लड़की का रिश्ता जरूरी है? अरे, प्यार करना है तो ये भगत सिंह ने, राजगुरु सुखदेव ने किया था, उसी तरह अपनी मातृभूमि से प्यार कीजिए। प्यार करना है तो अपनी संस्कृति से कीजिए। न जाने लोगों ने क्या क्या षड्यंत्र बना रखे हैं, और भगत सिंह को तो दिलों से निकालने की कोशिश की जा रही है, पर हम ऐसा नहीं होने देंगे। क्या तुझे इस प्रोग्राम में इनवाइट नहीं किया गया? पता नहीं था तुझे? मैं इनवाइट तो था, पर मैं बस बहुत आ गया था, वहीं जा रहा था। अच्छा, चलो बहुत जय।